हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रीम इलेवन में डेली विन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि ड्रीम इलेवन में हम डेली हार रहे हैं, किस तरह से हमको ड्रीम इलेवन को खेलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ट्रिक बताएंगे। अगर वह तीन ट्रिक आप ड्रीम इलेवन में फॉलो करते हैं तो इतने गारंटी मानिए कि आप ड्रीम इलेवन में रोज़ कुछ ना कुछ रुपये अर्न कर सकते हैं। तो कैसे आपको वह तीन ट्रिक लगानी है, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें पहले टिप्स की, डायरेक्ट ट्रिक पर ही चलते हैं, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें ट्रिक की, तो अगर जो आपको पहली ट्रिक लगानी है वह क्या है कि आपको यह करना है कि ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग नहीं खेलना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको ड्रीम इलेवन में जो है वह ग्रैंड लीग नहीं खेलना है। ज़्यादातर लोग ड्रीम इलेवन पर जो है कि लगभग 90% लोग यही गलती करते हैं कि वह जब भी ड्रीम इलेवन को ज्वाइन करते हैं तो वह डायरेक्ट आ जाते हैं और ग्रैंड लीग को खेलने लगते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर आपका चल रहा है 59 रुपये में ग्रैंड लीग है और 11 करोड़ जो है कि विनिंग रुपये हैं। तो यहां पर ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि यहां पर इतने करोड़ रुपए मिलेंगे अगर हम जीत जाएंगे, और यहां पर डायरेक्ट वह जो है कि 59 रुपए वाला ऑप्शन पहले ही रहता है, तो वही जो है कि ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। सबसे पहली ट्रिक यही लगानी है, सतर्क आपको रहना है कि आपको पहले, सबसे पहले ग्रैंड लीग वगैरह नहीं ज्वाइन करनी है। तो अब आप सोच रहे होंगे तब हमको क्या करना है, तो उसके लिए आपको दूसरा ट्रिक लगाना है, स्मॉल लीग। जी हाँ दोस्तों, आपको स्मॉल लीग ज्वाइन करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप ड्रीम इलेवन पर आते हैं और डायरेक्ट जो है कि अगर आप जो है कि यहां पर जो मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है, ग्रैंड लीग चल रही है, उसमें ज्वाइन करते हैं, तो जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जो है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां पर देखिए काफी ज्यादा लोग जो है कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसमें से जो विनिंग होगा वह काफी कम होगा। जैसे इसको आप क्लिक करिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंक है उसको तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, सेकंड वाले को 15 लाख मिलेगा। तो ऐसे है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह आपका काफी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आपके चांसेस बहुत कम बनेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर जो है कि यहाँ पर 1 करोड़ लोग लागू यहाँ पर लगाते हैं और उसमें आप एक टीम लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका परसेंटेज होगा वह 0.001% इतना लगभग आएगा। वहीं पर मान लीजिए अगर आप 10 से 11 टीम बना लेते हैं ग्रैंड लीग में और उसके बाद लगाते हैं, तब भी जो है कि आपका परसेंटेज जो होगा वह 1% के ऊपर नहीं जाएगा, से नीचे ही रहेगा, 0 पॉइंट कुछ रहेगा। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर परसेंटेज काफ़ी कम है आपके जीतने के, और हारने के परसेंटेज आपके 99% हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ग्रैंड लीग से बचना है और सीधे जो है कि आपको स्मॉल लीग में जाना है। तो स्मॉल लीग आपको कैसे खेलनी है, तो देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग में भी आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन लिखते मिलते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में भी आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर जो है कि हेड टू हेड कॉन्टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ड्रीम इलेवन में आपको दिखता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। इसमें क्या होता है, हेड टू हेड वाले में आपको जो है कि यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जितने भी इसमें कॉन्टेस्ट चलेंगे, इसमें सिर्फ 2 लोग रहेंगे। यहां पर आप देखिए, इसमें सिर्फ 2 लोग रहते हैं और उस 2 लोगों में 1 लोग आप रहोगे और 1 लोग सामने वाला रहेगा, और इन दोनों लोगों में 1 लोगों को जीत जाएगा, मतलब जो भी मैच चलेगा उसमें 1 लोग जीत जाएंगे। तो यहां पर आपके जीतने के चांसेस कितने हो गए, 50% यहां पर जीतने के चांसेस हैं। और दोस्तों, ग्रैंड लीग में आपको जीतने के चांसेस कितने हैं, तो ग्रैंड लीग में 0.001% के आसपास जीतने के चांसेस थे। तो इसलिए वहां पर जो है कि काफी रिस्क है, 99% वहां पर हारने के चांस हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर जो है कि यहां पर जीतने के आपके चांस जो है वह कितना हो जाएगा, तो यहां पर जो है कि आपका लगभग 50% तो कंफर्म है, 50% जीतने के चांस हैं। और आप जान ही रहे कि अगर आप एक अच्छी टीम बनाएंगे और जो है कि 50% जीतने का चांस रहेगा, तो यहां से आप जीत सकते हैं, बड़े आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि चांसेस हाई हैं। तो आपको स्मॉल लीग में यह खेलना है। और स्मॉल लीग एक और होती है हेड टू हेड के अलावा भी, एक होती है आपका
कि यहाँ पर देखिए यह ऊपर आएंगे तो 2x विनिंग वाला इसको भी आप खेल सकते हैं। यहाँ पर जो है कि क्या होता है कि जितना भी रुपए लगाएंगे उसका डबल मिलेगा, मतलब 500 रुपये लगाएंगे तो 500 रुपये आप जीतेंगे और 500 रुपये हुआ तो 1000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जीतने के आपके चांसेस होते हैं वह थोड़ा सा कम होते हैं, 50% नहीं होता, 50% से कम 42% या 45% आपके जीतने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका अच्छा रहता है, आप इस लीग को ज्वाइन करिए। हाँ, जो है कि 2x विनिंग वाला जो लीग है इसको ज्वाइन करिए, और जो आपका यह हेड टू हेड वाली लीग है इसको आप ज्वाइन करिए। अगर इन दोनों लीग को आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और तीसरी जो चीज़ है वह सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है, वह है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लीग हो गया उसमें अगर आपको जीतना है तो उसमें जो है कि आपकी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपकी टीम में अच्छा नहीं है तो गारंटी है कि आप चाहे प्राइवेट जो है कि हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में आए या जो है कि ग्रैंड लीग में जाएं, आप हर जगह हारेंगे। तो कैसे आपको जो है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज करना है या सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जाना है, जब भी आप टीम बनाएं तो जो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चुने, जैसे मान लीजिए कि यह इंडिया और श्रीलंका का मैच है तो इसमें चलिए हम चुन लेते हैं, अपनी टीम उसी तरह से बना लेते हैं। और जैसे हमने मान लीजिए यहाँ में तीन ले लिया, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर ले लिया, कर्मेंडू मेंडिस ले लिया, डी वांगले ले लिया, तो यहाँ पे कुलदीप यादव को मान लीजिए ले लिया। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए ऐसे बस ऐसे हम रफ टीम बना रहे हैं आपको बताने के लिए। तो यहाँ से देखिए जब भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना हो तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश क्या करिए कि ज़्यादातर कोशिश एक तो यह करिए कि आप पिच रिपोर्ट देखिए, पिच रिपोर्ट में यह देखिए कि स्पिनर को ज़्यादा फायदा करेगी कि फास्टर को ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, कि बैटिंग पिच है कि बॉलिंग पिच है, यह चीज़ आपको ज्ञात कर लेनी है। अगर दोस्तों बैटिंग पिच है और जो सामने वाली टीम है वह काफ़ी कमज़ोर है तो आप क्या करिए, जो मजबूत टीम है उसमें अगर बैटिंग पिच है तो उसमें जो आपके ओपनर वगैरह हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश आप यह करिए कि जो ऑलराउंडर होते हैं उनको चूज करिए। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हमेशा जो है, चाहे आपका T20 मैच चल रहा हो या चाहे आपका जो है कि वनडे मैच चल रहा हो, उसमें आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर जो है कि आप ऑलराउंडर को अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन चूज करिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए दोस्तों यहां पर ही देख लीजिए, जैसे यह इंडिया श्रीलंका का मैच अभी चल रहा है और यहां पर देखिए अगर आप बैट्समैन में देखेंगे तो बैट्समैन में देखिए यहां पे कुशल मेंडिस ने कितना पॉइंट दिया है, 76 पॉइंट दिया है, राहुल ने 46 पॉइंट दिया है और रोहित शर्मा ने 196 पॉइंट दिया है, पुदुम निशंका ने जो है 82 पॉइंट दिया है, शुभमन गिल ने बस 70 पॉइंट दिया है और विराट कोहली ने 64 पॉइंट दिया है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप ऑलराउंडर में आएंगे तो ऑलराउंडर में आप देख लीजिए यहाँ पर जो है कि डी वांगले 206 पॉइंट दिए हैं, अक्षर पटेल 196 पॉइंट दिए हैं, वाशिंगटन सुंदर आपका 169 पॉइंट दिए हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर ऑलराउंडर में ज़्यादातर लोग जो है कि ज़्यादा पॉइंट दे रहे हैं, तो इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपको ऑलराउंडर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। अगर स्पिनर पिच है तो अगर ऑलराउंडर स्पिनर हैं तो स्पिनर वाले को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, अगर जो है कि फास्टर पिच है तो फास्टर जो आपका ऑलराउंडर है उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, क्योंकि वह आपका विकेट भी लेगा और जो है कि आपको अच्छी बैटिंग भी करके देगा। तो इसलिए आपको यह काम करना है। और दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप इतना काम करते हैं तो जो है कि आप ड्रीम इलेवन में ठीक ठाक विन कर लेंगे, आप तो लॉस धीरे धीरे आपका रिकवर भी हो जाएगा, आप डेली नहीं हारेंगे। इस तरह से आप टीम बनाइए, अच्छे से टीम बनाइए, गारंटी है आप जो है कि ड्रीम इलेवन में जीत सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके